नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिला। कई जगहों पर उपद्रवियों ने बसों और ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में कार्रवाई हुई तो यूपी में कई कोचिंग संचालक गिरफ्तार किए गए जिन्होंने बच्चों को बरगलाकर हिंसा करवाई, जिसके बाद अब सभी कोचिंग संचालकों पर योगी सरकार जीएसटी वाला बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। देखिए हमारी रिपोर्ट। चौदह जून को केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना लॉन्च की गई। योजना का नाम था अग्निपथ। बच्चों के हित में सरकार की तरफ से योजना शुरू की गई, लेकिन सरकार का विरोध करने वालों ने इसको नुकसानदायक बताकर बच्चों को बरगलाया और हिंसा करवाई। जगह जगह ट्रेनों और बसों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। इस मामले में यूपी में कार्रवाई शुरू हुई तो पुलिस ने कई कोचिंग संचालकों को भी गिरफ्तार किया, जिन पर अब बाबा बुलडोजर जीएसटी वाला बुलडोजर चलने की तैयारी में है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर हुए हंगामे के बीच अलीगढ़ में कोचिंग सेंटर भी जीएसटी के रडार पर आ गए हैं। अलीगढ़ में भी अग्निपथ का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने सरकारी और निजी संपत्तियों को जमकर नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद शहर के कई कोचिंग संचालकों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद योगी सरकार ने कोचिंग सेंटरों के खिलाफ जीएसटी विभाग को जांच के आदेश दे दिए। सरकार की तरफ से दिए गए आदेश में कहा गया है कि जिन कोचिंग संचालकों का टर्नओवर 20 लाख से अधिक होगा उन पर 18% जीएसटी लगाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ मंडल में 200 से अधिक कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन अभी तक एक भी पंजीकृत जांच नहीं मिली है, जबकि ये कोचिंग सेंटर सेना और अन्य सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने वाले लोगों से लाखों रुपए फीस के तौर पर लेती है, लेकिन इस पैसे का टैक्स नहीं देती। लिहाजा अब राज्य सरकार ने इन कोचिंग सेंटरों पर लगाम लगानी शुरू कर दी है। अलीगढ़ ही नहीं बल्कि राज्य के कई जिलों में हुई हिंसा के बाद कोचिंग सेंटर संचालक निशाने पर आ गए और सरकार ने जीएसटी विभाग को कोचिंग सेंटर संचालकों के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है। पूरे मंडल में इसकी जांच चल रही है। वहीं जिला प्रशासन भी कोचिंग सेंटर के पंजीकरण की जांच कर रहा है। फिलहाल कोचिंग सेंटरों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर पहले से ही पुलिस और जिला प्रशासन के निशाने पर हैं। वहीं अब जीएसटी की नज़र इन कोचिंग सेंटरों पर है। जानकारी के मुताबिक कोचिंग सेंटरों पर 20 लाख से अधिक के टर्नओवर पर 18% जीएसटी लागू होगा। जीएसटी विभाग कोचिंग सेंटर का डेटा भी तैयार कर रहा है, क्योंकि विभाग का मानना है कि एक छात्र को तैयार करने के नाम पर कोचिंग सेंटर लाखों रुपए का सालाना पैकेज लेते हैं और प्रत्येक कोचिंग सेंटर में 200 से 300 बच्चे हैं। लिहाजा ये कोचिंग सेंटर करोड़ों की सालाना कमाई कर रहे हैं और जीएसटी के नाम पर सरकार को टैक्स नहीं दे रहे। अभी तक सरकार की तरफ से इन कोचिंग संचालकों को जो छूट दी गई थी, जिसके दम पर इन उपद्रवियों ने बच्चों को भड़काकर हिंसा करवाई, उस पर अब बाबा जीएसटी वाला बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करने जा रहे हैं। और ये साफ हो गया है कि बाबा बुलडोजर के राज में अपराधियों की कमर तोड़ने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।